हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को IGKEE के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि IGKEE का जो डायरेक्शन है उसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके के वीडियो मैं अक्सर लेकर के आता रहूँगा आप लोगों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं IGKEE का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डाउट रहता है कि इसका आई का जो हम डायरेक्शन है वो कैसे लें, कहाँ पे आई का यूज़ करें, कहाँ की का यूज़ करें, कहाँ हम जे का यूज़ करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के इस डाउट को क्लियर करूँगा और IGKEE द्वारा हम एक रेडियस का निर्माण करेंगे और उस रेडियस में हम कैसे रेडियस को कैसे बनाएंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और जानते हैं IGKEE के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर हमारे वीडियो को पहले देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि IGKEE का हम उपयोग XYZ के रूप में कहीं कहीं यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको रेडियस बनाना हो या फिर सर्कल बनाना हो या फिर हाफ सर्कल बनाना हो, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पार्ट है और इस पार्ट के चारों कॉर्नर पे 20 mm का रेडियस बनाना है। तो जो 20 mm का रेडियस बनाना है और वो जो रेडियस बनाना है हमको IGKEE का यूज़ करके हमने रेडियस बनाना है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि हम कहाँ कैसे हम माइनस का प्लस माइनस का हम यूज़ करें, उसका डायरेक्शन का जो हमें कैसे पता चलता है। तो चलिए उसी के बारे में एक छोटे से वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसको जानते हैं। साथियों, मान लीजिए मैं क्लॉक वाइज में अपने कटर का यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये क्या है, इस कॉर्नर से हमें मिलिंग कर रहा हूँ और मान लीजिए ये कटर हमारा चल के इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है और ये हमारा जो पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है और जहाँ पर हमारा रेडियस खत्म हो रहा है वो हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, ये कटर आपका आया और इस कटर आने के बाद आपको क्या है, रेडियस देना है, ठीक है, रेडियस आपको कैसे, रेडियस आर नहीं देना है, इसमें हम लोग आई का यूज़ करेंगे और जे का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम आई का यूज़ करेंगे या फिर जे का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस जो रेडियस है इसका सेंटर किधर बन रहा है, इसका सेंटर इधर बन रहा है, ये सेंटर है, इस रेडियस का सेंटर ये है और ये सेंटर किधर है, ये आप इस पॉइंट को जहाँ पे आप जहाँ से आपको रेडियस बनाना है उस पॉइंट को आप बिल्कुल जीरो मान लें, इस पॉइंट को आप क्या मान लें, जीरो मान लें। तो ये क्या हो गया आपका, कुछ इस तरीके से जीरो जीरो हो गया, ये पॉइंट आपका जीरो हो गया। जब ये पॉइंट जीरो हो गया तो ये डायरेक्शन क्या है, वाई है और वाई में प्लस हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। उसी तरीके से ये डायरेक्शन वाई में माइनस हो गया और इधर की डायरेक्शन क्या हो गई, y में x में प्लस हो गया और इधर की डायरेक्शन क्या हो गई, x में माइनस हो गया। अब देखिए जो जो रेडियस है उसका सेंटर किधर है, y में प्लस की डायरेक्शन में और y के लिए हम यूज़ करते हैं j का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने का रेडियस है, 20 mm का, तो 20 mm यहाँ पे हम ले लेंगे, 20 mm j 20। अगर आप एंटी क्लॉक वाइज में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जी 02 के साथ आप j का यूज़ कर सकते हैं, 20.0 और आई 0.0 दे लेंगे और एंड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट देना है, एंड पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ पे दे लेंगे। इस तरीके से आपका रेडियस बनता हुआ इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब हम क्या है, मिलिंग कटर से कटर करते हुए हम इस पॉइंट पे पहुँचे। अब जब इस पॉइंट पे पहुँचे, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपका स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, यही स्टार्ट पॉइंट हो गया, तो उसी को आप बिल्कुल जीरो जीरो मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये अगर सेंटर पॉइंट आपका जीरो हो गया तो सेंटर पॉइंट से राइट साइड में, यानी कि आपका जो ये रेडियस का सेंटर बन रहा है किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है एक्स में, तो इस साइड हमारा क्या होता है, एक्स में प्लस होता है।
तो x के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, i का यूज करते हैं। तो i क्या हो जाएगा हमारा, i यहाँ पे प्लस 20 mm हो जाएगा, प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो i 20.0 हो जाएगा और j हमारा 0.0 हो जाएगा। और ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, तो एंड पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट दे देंगे, ठीक है। जैसे ही एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे, यहाँ पे आप G02 का यूज़ कर लीजिए, तो ये आपका रेडियस बनाते हुए इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अब ये हो गया, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है साथियों, एक चीज़, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गया। यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, जे का यूज़ किया, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, आई का यूज़ किया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, अब मान लीजिए इससे यहाँ से हमने कटिंग करते हुए, हमारा कटर चलते हुए इस पॉइंट पे पहुँच गया। अब हमें क्या है, यहाँ भी रेडियस बनाना है 20 mm का, 20 mm का रेडियस बनाना है। अब देखिए स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जहाँ पे आप खड़े हैं उसको आप स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए और सेंटर बना लीजिए। तो सेंटर, ये सेंटर हो गया, इस सेंटर पॉइंट से आपका रेडियस का सेंटर किधर है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ आपका क्या होता है, वाई माइनस होता है। जब वाई माइनस होता है तो आप क्या यूज करेंगे, जे माइनस में 20 यूज करेंगे, ठीक है, जे माइनस में 20 यूज करेंगे। और ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, तो आप एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देंगे और यहाँ पे G02 का यूज कर लेंगे उसके, और इसके साथ आप I0.0 दे लेंगे। तो आपका क्या है, इस तरीके से यहाँ पे आप रेडियस बना सकते हैं। आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डालना है माइनस में, ठीक है। उसी तरीके से आप जब यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आप क्या जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो यह क्या हो गया, आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब स्टार्ट पॉइंट से देखिए, यहाँ देखिए इसको सेंटर आपने बना लिया, तो स्टार्ट पॉइंट से जो रेडियस का सेंटर है, वो रेडियस का सेंटर क्या है, इधर है, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में हमारा जो एक्स होता है वो माइनस में होता है। तो जब माइनस में होता है तो आपको आई किस में देनी पड़ेगी, माइनस में देनी पड़ेगी। माइनस कितना, माइनस 20.0 और जेड 0.0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कुछ जो भी कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आप देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियस बनते हुए यहाँ तक चला आएगा। इस तरीके से आप जहाँ कहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े रेडियस बनाने का, वहाँ पे आप आई जे के का यूज़ करके आप रेडियस बड़े ईजिली बना सकते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आपको अगर पूरा ये सर्कल बनाना हो, तो ये सवाल आप अपने सीनियर से ज़रूर पूछें कि मान लीजिए हमें एक सर्कल बनाना हो, तो क्या रेडियस के द्वारा, रेडियस डाल के एक पूरा सर्कल बनाना पॉसिबल है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के दीजिए, और इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक आप लोग इसके बारे में ज़रूर जानें, क्या रेडियस के द्वारा एक पूरा सर्कल बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए। आपकी राय क्या है, बनाया जा सकता है तो यस लिखिए, अगर नहीं बनाया जा सकता है तो आप नो लिखिए। अगर कोई डाउट है तो डाउट को भी कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।